ध्रुव का ऐसा प्रसंग है भागवत में कि मृत्यु आई, काल आया, सामने खड़ा है। काल ने अपना माथा नीचे करा और ध्रुव ने उस मृत्यु के ऊपर पांव रखा और भगवान के आंसु विमान आया, उसमें बैठ करके गए, जो आज भी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। आज भी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते। क्या है ये? तप है, तपस्या है, भजन है। उस भजन के द्वारा उस परम पद को प्राप्त कर लिया, वो पद प्राप्त करा जो हजारों हजारों साल तक चल रहा है।